दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अनलॉक के बीच कुछ नई छूट व कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों कुछ तीर्थ स्थलों को खोलने की अनुमति मिल गई है, तो वहीं जीपीएम के लिए नई गाइडलाइन जारी कर रही है। तो दोस्तों इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन को लेकर के नया जारी दिशा निर्देश कर दिए गए हैं। इसके बाद अलग अलग जिलों में कलेक्टर भी जिलों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। या नया आदेश धमतरी, गोरेला, पेंडा, मरवाही, बालोद, राजनांदगांव, बिलासपुर और कोरिया जिले के लिए आया है, जहां धमतरी और कोरिया में लॉकडाउन बढ़ाकर 13 जून तक कर दिया गया। हालांकि इन जिलों में कुछ छूट के साथ प्रतिबंध भी जारी रहेंगे। इसके अलावा गोरेला, पेंडा, मरवाही जिले में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। इस बार यहां चाट और गुपचुप दुकानें खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। बिलासपुर में अगले आदेश तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। वहीं कोरबा और राजनांदगांव में भी छूट और प्रतिबंध को बढ़ाया गया। बालोद में अब राजस्व न्यायालय में प्रकरणों की सीमित सुनवाई करने की भी अनुमति दे दी गई है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि किस जिले में क्या क्या छूट दी गई है। तो दोस्तों पहला धमतरी। तो धमतरी में होटल, रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले सकेंगे और 50% लोगों को बैठने की अनुमति होगी। वहीं क्लब, बार, मैरिज गार्डन, धर्मशाला रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। अगला है दोस्तों कि स्थायी रूप से ठेला लगाने या घूम घूम कर खाद्य पदार्थ सामग्रियों को बेचने वाले अधिकतम रात 10 बजे तक सामग्री बेच सकते हैं। साथ ही प्रशासन की अनुमति के बाद शादी समारोह में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं सरकारी कार्यालय में 50% कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगे। दुकानें अधिकतम शाम 6 बजे तक खुल सकेगी। वहीं मंदिर आम लोगों के लिए खुल सकेंगे, लेकिन मंदिर में एक बार अधिकतम 20 लोगों को ही घुसने की अनुमति होगी। साथ ही बता दें दोस्तों कि इन सभी जिलों में ये प्रतिबंध जारी रहेंगे। जैसे कि हर संडे को इन जिलों में टोटल लॉकडाउन रहेगा। शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल, पर्यटन स्थल, चौपाटी बंद रहेंगे। साथ ही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, राजनीतिक धरना, धार्मिक कार्यक्रम भी बंद रहेंगे। इसके पहले सोमवार को भी बलौदा बाजार, जांजगीर, सूरजपुर, रायगढ़, जसपुर, रायगढ़, दुर्ग और कांकेर जिले के लिए कलेक्टर्स ने नई गाइडलाइन जारी की थी। वहीं सोमवार देर रात राज्य सरकार ने भी नए दिशा निर्देश जारी करके कहा था कि जिन जिलों में संक्रमण दर 5% या उससे कम है रियायतें रहेगी, लेकिन जिन जिलों में संक्रमण दर 5% से ज्यादा है वहाँ पहले की तरह ही सख्ती रहेगी।